फ्रेंड्स वेलकम है आप सभी का सिर्फ आली नून के चैनल में। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और फिट होंगे। और आज मैंने देखो ये साड़ी मीशो से मंगाई हुई है, आप सब देख सकते हो। अगर आप सबको अच्छा लगता है तो आप भी जाके मंगा सकते हैं, अभी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, मीशो हॉल शेयर कर सकते हैं आप भी। और जो है कैसी लगी मेरी साड़ी बताना ज़रूर कमेंट करके। मैं पूरा लुक नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मैं पहन के बैठी हुई हूँ, पूरा पहनी भी नहीं हुई हूँ सही से। और मैंने सोचा कि आप सबको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा ऐसे मैंने ऐसे ही पहन लिया है मराठी स्टाइल में। ये मराठी स्टाइल मानिए चाहे जो स्टाइल मानिए। ये मेरी साड़ी कैसी लगी आप सबको? का लुक मैंने थोड़ा ही दिखाया हुआ है, आप सबको कैसे लगा बताना जरूर कमेंट करके। और मैंने वन ही साड़ी मंगाई हुई थी इसलिए पूरा कलेक्शन नहीं, पूरा मैंने नहीं दिखाया है, बस थोड़ा सा पहन के ऐसे ही आप सबको दिखा दिया। मैंने पहन के उसको चेक किया, लंबाई उसकी अच्छी है या क्या, उसकी क्वालिटी कैसी है, और सब कुछ मैंने चेक करने के लिए पहन लिया था। वैसे ऊपर से ही पहन लिया था, पूरा अच्छे से पहना नहीं इसलिए पूरा आप सबको दिखाया। मैं फिर से पीको करना सिखाती हूँ स्टार्टिंग से। अब ये देखिए ये कोना है इसको, चाहे इसका पल्ला है, और ये सुई है, इसमें धागा पड़ा हुआ है उसी कलर में। स्टार्टिंग कैसे की जाती, ऐसे करना है, ऐसे ऐसे हमको फोल्ड करना है उंगलियों के सहारे लेके। थोड़ी सिल्की है ना इसीलिए थोड़ी फिसल रही है, ऐसे करना है। थोड़ा सा तो बना है लेकिन ये निकला है, इसको चाहिए तो इसको मोड़ के अंदर रख दो, चाहे इसको भी कट कर दो, जैसे भी आपको सुविधा पड़ती हो। मुझे सुविधा ऐसे पड़ रही है तो मैं उसी को अंदर में इसको फोल्ड कर देती हूँ बस ऐसे। अब एक फिंगर की सतह से ऐसे हमको फोल्ड करते जाना है, पिन करते जाना है, ऐसे ही बनाना है हमको अच्छे तरीके से। हमने कहा एक बार दिखाया था उसको बारीकी से, मैंने नहीं दिखाया था। और जो है बच्चे चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं बीच में, और ऐसे ही आपको बनाना है। हमने कहा थोड़ा सा आप सबको दिखा देती हूँ। आज हम पीको कर रहे थे घर में बैठ के, झटपट तैयार होने वाली चीज़ होती है। जैसे खाना हमारा झटपट घर में रेडी करना हो, होटल जाना हो तो उसमें समय लगता है। और ये है कि अगर आपको कहीं जल्दी जाना हो, अगर आपको साड़ी पहननी है तो आप खुद घर में अपना पीको कर सकते हैं, और नहीं भी करना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है। मैं सिखा दे रही हूँ, बता दे रही हूँ, मैं करी हूँ। सबसे एक बात कहना है, मैं तो भूल ही गई थी। और मैंने जो है उसी साड़ी में बैठ के जो है दोनों तरफ की तरफ पीको भी करना था, तो मैंने हाथ से ही अपना खुद ही कर लिया, मशीन पे देने की ज़रूरत ही नहीं हुई। मैंने कट करके उसका ब्लाउज निकाला, और उसके बाद जो है ब्लाउज का पीस आप सबको नहीं दिखाया था, दिखा देती हूँ आप सबको। और जो है और पीको भी करके दिखाया हुआ है, पूरा ज़्यादा नहीं दिखाया हुआ, थोड़ा बहुत दिखाया हुआ है। चलो आगे देखते रहो आप सब, यस नहीं दिखा पाए उसके लिए सॉरी है। और आप सबको मेरा वीडियो ऐसे लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स। और जो है आप सबको बहुत सारा थैंक यू इसलिए क्योंकि आप सब आते हो और कमेंट भी करते हो, और उसके लिए बहुत सारा ढेर सारा आप सबको थैंक यू है। और जो है अगर मेरे न्यू होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को नहीं प्रेस करेंगे तो मेरा छोटा छोटा जो वीडियो आता है सबको नहीं मिल पाएगा। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।